बिसम राय असल वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कुकिंग सेंस सो आर टूडेज़ रेसिपी इज़ लोडेड फ्राइज कह लें पिज्ज़ा फ्राइज़ कह लें वट एवर यू वॉन्ट टू नेम दैम बट इट्स सच एन अमेजिंग रेसिपी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड हमें अपनी फीडबैक से मस्ट आगा करें तो और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेलाइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स और चलते हैं रेसिपी की तरफ कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया था इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 पॉइंट पाउंड्स के बराबर आलू थे मेरे पास उनको पील करके चिप्स बनाने के लिए काट दिया था कुछ वेजेस हैं मेरे पास पेपरोनीस हैं एलोपिनो है ऑलिवस हैं और कैप्सिकम है आप इसके अलावा भी अगर कोई और वेजेस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं सो फ्राइज़ हमारे रेडी हो चुके हैं अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन हो गए हैं अब इनको निकाल लेंगे इसको किसी जाली पे निकाल लिया करें या प्लेट पे, फिर बाद में स्ट्रेन कर लें टिश्यू पेपर पे निकालने से हमारे जो फ्राइड आइटम हैं वो बहुत सोगी सोगी से हो जाते हैं फ्राइज़ को रखेंगे एक पैन में जिस पे हमने बेक करना है अब इसके ऊपर हसबे ज़रूरत सॉल्ट पेपर और रेड चिली पाउडर ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहते हैं आई लाइक इट सो मैं ऐड करूँगी चीज़ है मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 150 फिफ्टी ग्राम्स इनको श्रेड कर दिया था प्रॉपरली अब इसके ऊपर एक लेयर चीज़ की लगाऊंगी अगर आप चीज़ स्लाइसेस यूज़ करना चाहते तो चीज़ स्लाइसेस भी यूज़ करें दें अगर मोजरेला यूज़ करना तो चेडर यूज़ करना करें टू यू मगर मैं प्रेफर करूँगी फॉर पिज्ज़ा फ्राइज़ आपको मोजरेला चीज़ यूज़ करना चाहिए ये मेरे पास लेफ्ट ओवर चिकन था अगर आपके पास लेफ्ट ओवर चिकन नहीं है तो आप चिकन को अच्छे से लहसन के साथ फ्राई करें और इसमें हसबी ज़रूरत सॉल्ट रेड चिली पाउडर थोड़ा सा गर्म मसाला और ब्लैक पेपर विद वन स्पून ऑफ़ कैचअप अच्छे से फ्राई करें आपका चिकन रेडी हो जाएगा ये वेजेस हैं वेजेस को स्प्रिंकल करूँगी ऊपर से वेजेस के बाद अगर आप जाए तो पिज्ज़ा सॉस भी इसी टाइम पर स्प्रिंकल करके मिक्स कर दें मुझे ऊपर से डालना पसंद है तो मैं सबसे टॉप पे वो डालती हूँ सेकेंड लेयर ऑफ चीज़ भी हमने ऐड कर दी है अब जो रिमेनिंग वेजेस थे हमारे पास उसकी एक लेयरिंग करेंगी अच्छे से इसको लोड करने के लोडेड फ्राइज लोडेड लगे लास्ट एंड नॉट द लीस्ट सम रेड चिली फ्लेक्स अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस और मस्टर्ड पाउडर ऑप्शनल अगर आप ऐड करना चाहते हैं बिकॉज़ इट रियली टेस्ट्स वेल सो इट्स रेडी टू बेक अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो प्रीहीटेड ओवन में 10 टू 12 मिनट्स के लिए बेक करें अगर अगर आप इस पैन में चूल्हे पे बेक कर रहे हैं तो इसको अच्छे से कवर करके अप्रॉक्सीमेटली टेन मिनट्स के लिए हम छोड़ देंगे बार बार चेक नहीं करना क्योंकि स्टीम जो बनी होती है वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाती है मिलते हैं टेन मिनट्स के बाद सो so, चीज़ हमारे अच्छे से मेल्ट हो चुकी है हमारे लोडेड फ्राइज रेडी हैं रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए तो बहुत इजी एंड ऑथेंटिक रेसिपी है एंड अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर यूजफुल लगे तो थम्स अप दें फाइनल लुक इज़ इन फ्रंट ऑफ यू इट्स सो यमी एंड सो चीसी